हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड गुड विद फन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू डिश लेके आई हूँ जिसपे मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके उसे बहुत ही टेस्टी तो बनाया ही है, बट अगर आप उसका टेक्सचर देखेंगे तो वो उसके टेस्ट से भी कई गुना बेहतर है। जी हाँ, आज की जो डिश है उसका नाम है रॉ बनाना फिश फ्राई। डोंट वरी फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। हाँ, बट अगर आप इसके टेस्ट और टेक्सचर को देखते हैं तो नॉन वेजिटेरियन भी इसे खाने और बनाने से पीछे नहीं रहेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं आज की न्यू डिश, जो कि कच्चे केले से बनने वाली है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 कच्चे केले। मैंने थोड़े से उन केलों को डेकोरेट किया है। देन उनके पेल्स अलग करके हम उन्हें कुछ इस तरह से कट करके पानी में डीप कर देंगे और उसे 5 से 7 मिनट गैस पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। बॉयल होने के बाद हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में 100 से 150 ग्राम मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा अजवाइन या फिर अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते से इसमें टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम लेंगे थोड़ी सी कलौंजी या फिर मंगरेल, 1 से 1.5 चम्मच ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। अब हम इसे गुनगुने पानी की सहायता से अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। इस डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम उस ठंडे हुए केले को अच्छे से मैश कर लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून पाउडर शुगर या पिसी हुई चीनी, 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 से 1 करी पत्ते, आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, कटे हुए गाजर, अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप उसे भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। उस डो से हम एक लोई लेंगे और उसका कुछ इस तरह से रोटी के शेप में बेल लेंगे। अब इस रोटी पे हम 1 से 1.5 चम्मच रॉ बनाना की जो फिलिंग रेडी की है उसे रखेंगे और इसे हाथों और चम्मच की सहायता से थोड़ा सा फिश शेप दे देंगे। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप इसमें चीज़ की स्लाइसेस भी रख सकते हैं, डाल सकते हैं, इससे इसके टेस्ट में इसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। अब हम नाइफ की सहायता से कुछ इस तरह से किनारों पर कट लगा लेंगे। देन हम हाथों पर थोड़ा पानी लगाकर किनारों पर पानी लगा देते हैं ताकि जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करें तो ये अच्छे से चिपक जाए और ऑयल में फ्राई करते वक्त ये खुले ना, ओपन ना हो। अब हम कुछ इस तरह से इसकी एक एक स्ट्रिप को लेते हुए चिपकाते जाएंगे। एक बार हम दाहिने साइड से लेंगे, देन बाएं साइड से। इसी तरह से हम सारे स्ट्रिप को चिपका लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी डिश जो अभी कच्ची अवस्था में है वो इस तरह रेडी हो गई। अब हम इसमें 2 लौंग लगा देते हैं ताकि ये पूरी तरह से फिश लुक में आ जाए। और जब हम इसे
ऑयल में फ्राई करें तो लौंग की भी खुशबू इसमें थोड़ी सी आ जाए। तो रेडी है हमारी फिशेस, अब हम इसे गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ में इस ऑयल में हमने डाले पहले मम्मी फिश, देन ये गए डैडी फिश। अब हम थोड़ा सा स्पेस बना करके अपनी बेबी फिश को भी इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, फिश कह रही हूँ मीन्स ये वेज फिश है, आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। अब हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रेडी है हमारी रॉ बनाना फिश फ्राई। यह देखने में जितनी सुंदर है यकीन मानिए टेस्ट भी बहुत ही यमी है। अब हम इसे आपको सर्विंग प्लेट में भी सर्व करके शो करते हैं। तो रेडी है हमारी यमी टेस्टी रॉ बनाना फिश फ्राई, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।